BHK होम डिज़ाइन फर्स्ट पार्ट 9 फीट हाइट, या पार्ट इसका कॉलम 10 इंच बाई 10 इंच, 250 बाई 250 mm कॉलम, 3D ड्राइंग कॉलम। यहाँ पर एक सिंपल 10 फीट हाइट या 9 फीट हाइट तक इसको रेडी करके उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन करना है। उसके बाद वॉल, वॉल यहाँ पर 7 फीट 6 इंच हाइट करके सेटिंग करके रखेंगे आउटसाइड वॉल। उसके बाद हम अंदर में जो इसका स्टेयर सीढ़ी यहाँ पर हम ड्रॉ करके 3D के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए आउटसाइड जो वॉल इसको हम पहले सेट करेंगे, उसके बाद हम जो स्टेयर है इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो ऐसे हमारा जो फाइनल डिज़ाइन है इसका जो आउटसाइड और इनसाइड वॉल इसका कुछ पार्ट यहाँ पर हमने सेटिंग किया है ऐसे। सेट करने के बाद और भी कुछ वॉल है यहाँ पर जिसको हमें सेटिंग करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं इंटरनल वॉल, अंदर का वॉल। तो रूम के अंदर बाहर जो वॉल इसका विथ वाइट हमने 125 mm 5 इंच का वॉल क्रिएट किया है। तो इससे क्या होगा, आपका जो घर के अंदर जगह है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर सकते हैं मेजरमेंट वाइज। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो स्टेयर इसको हम रेडी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऐसे स्टेयर, यहाँ पर डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम के एरिया यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर किचन कम एक हॉल रूम, किचन हॉल। और इसके अंदर हमें जो अभी और भी कुछ ऐड करना है, जैसे इसका विंडो 7 फीट 2.1 मीटर, डेप्थ 4.6 मीटर, 4.6 सॉरी यहाँ पर ऐसे 4 फीट 6 इंच, 1350 मिलीमीटर डेप्थ रहेगा यहाँ पर जो विंडो इसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ विंडो तो ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम विंडो ऐड करते हैं ऐसे ऐसे विंडो। उसके बाद देखिए इधर बैक साइड में हम कोई विंडो ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर, और यहाँ पर GL to PL जो लाइन है इसको हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे ऐसे। रेफरेंस लाइन जितना आएगा हम इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे रेडी करेंगे यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे हम इसको रेडी करेंगे। इसको रेडी करने के बाद हमारा जो फाइनल डिज़ाइन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। चलिए उसके अंदर कुछ फर्नीचर ऐड करते हैं तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ फर्नीचर ऐड करने के बाद हमें एक फाइनल डिज़ाइन यहाँ पर मिला है, जिसके अंदर कुछ देखिए दो यहाँ पर सोफ़ा, अंदर आने के बाद और भी सोफा सेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए किचन एंड डाइनिंग एक साथ फ्रंट साइड से ऐसे, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बेडरूम, दो टॉयलेट एंड बाथरूम, एक टॉयलेट एक बाथरूम एंड लैटरिन। तो 3 बेडरूम, पीछे 2 बेडरूम, लेफ्ट साइड में 1 बेडरूम, लेफ्ट राइट दोनों साइड में बाथरूम टॉयलेट एंड लैट्रिन, एंड फ्रंट साइड में छोटा सा एक बरामदा कम वेटिंग रूम, अंदर में ड्राइंग रूम, तो डाइनिंग किचन एक साथ। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर आपको 3, 3, 6, 9, 12 और 3, 15 नंबर्स आपको यहाँ पर कॉलम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए
कुछ 2D ड्राइंग आपके साथ शेयर करते हैं जिसके अंदर इसका डिटेल्स रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए जो मेज़रमेंट 11 फीट 11 इंच एंड 12 फीट 3 इंच, उसके बाद देखिए 12 फीट, यहाँ पर 12 फीट, 12 फीट बाई 11 फीट 11 इंच, 12 फीट 3। दो बेडरूम तो पीछे की तरफ है, यहाँ पर देखिए टॉयलेट बाथरूम एंड लैट्रिन का जो पार्ट है 6 फीट बाई 7 फीट का रूम, यहाँ पर 7 फीट बाई 6 फीट, दो टॉयलेट बाथरूम एंड लैट्रिन सेम ही है यहाँ पर। और देखिए और एक बेडरूम 12 फीट बाई 11 फीट 6 इंच। ओके, तो यहाँ पर जो मेज़रमेंट इसको थोड़ा सा इधर से करना है तो आपको सही डिज़ाइन का यहाँ पर मेज़रमेंट मिल जाएगा। उसके बाद इसका जो देखिए 9 फीट 4 इंच का यहाँ पर गैप, तो स्टेयर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 4 फीट 11 इंच, उसके बाद यहाँ पर 10 फीट 3 फीट, उसके बाद 3 फीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 7 फीट, नेक्स्ट यहाँ पर 12 फीट 3 इंच, नेक्स्ट इधर 11 फीट 6 एंड 12 फीट 11 इंच का यहाँ पर गैप रहेगा, उसके बाद 12 फीट 3 इंच। तो टोटल जो यहाँ पर मेज़रमेंट देखिए 17 फीट 11 इंच। तो ऐसे करके जो डिज़ाइन है इसको हमने बनाने के बाद फाइनल जो इसका आउटसाइड इनसाइड लेंथ इनटू ब्रेथ 12 फीट बाई 25 बाई 45 फीट। तो यहाँ पर कितना आएगा इसका मेज़रमेंट 25 इंटू 45, टोटल 1125 स्क्वायर फीट, कॉस्ट 1800 20 लाख रुपीस तक यहाँ पर खर्च आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम ऐड करेंगे जैसे बेडरूम, जैसे बेडरूम इधर इधर और इधर, देखिए 1 2 3 यहाँ पर बेडरूम। उसके बाद किचन डाइनिंग सब कुछ है यहाँ पर, किचन किचन यहाँ पर डाइनिंग, किचन डाइनिंग एक साथ, और उसके बाद DRAWNG ड्राइंग यहाँ पर, उसके बाद बाथ एंड लैट्रिन, तो दोनों में सेम ही रहेगा, सेम मेजरमेंट का बाथ लैट्रिन, आप जैसे चाहे आप ऐसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर VERANDAH वारंदा फ्रंट साइड में। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आपको प्लानिंग डिज़ाइन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसका देखिए कॉस्टिंग भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं।